नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मॉर्निंग स्टार एकेडमी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 7 गणित इकाई 6 रेखीय समीकरण, जिसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, अभ्यास सी की 7वीं सवाल पढ़ेंगे। इससे पहले दो पार्ट में 6 सवाल तक लगवा दिया गया है। चलो आज हम देखते हैं 7वीं सवाल क्या है। हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो, आदर्श डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। तीनों को मिला कितना ग्राम है? 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 केजी है अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 केजी अधिक है, तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डेविड का भार मान लेंगे। माना कि डेविड का भार, माना कि डेविड का भार एक्स के जी है। कितना है एक्स के जी? तो फिर क्या हो जाएगा, डेविड का भार एक्स के जी, तो आदर्श का भार कितना हो जाएगा? आदर्श का भार बराबर, आदर्श का भार क्या है, डेविड के भार से, डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 केजी ज्यादा है, क्या हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे, डेविड के भार से आदर्श का भार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1.3 केजी इसमें घटाएंगे तो डेविड का भार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1.3 केजी। और हमीद का भार क्या हो जाएगा, हमीद का भार बराबर, हमीद का भार 2.1 केजी अधिक है, डेविड का भार कितना अधिक है, 2.1 केजी, तो डेविड के भार से 2.1 केजी माइनस कर देंगे। अब क्या बोल रहा है, तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तीनों का भार कितना, आदर्श डेविड और हामिद का कुल भार 44 किलोग्राम है। इसका मतलब क्या हो गया, आदर्श का भार एक्स है, नहीं डेविड का भार एक्स हो गया, आदर्श का भार एक्स माइनस 1.3 केजी हो गया और हामिद का भार एक्स माइनस 2.1 केजी हो गया, बराबर टोटल भार कितना है, 44 किलोग्राम। अब इसी को हल कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर, अचर को एक साइड में कर देंगे, अचर को एक साइड में, माइनस 1.3 है इधर आ जाके प्लस 1.3 हो जाएगा, ये माइनस 2.1 है तो प्लस 2.1 हो जाएगा, 2.1 ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 44 एक 45 दुई 47, 47.4 ये कैसे आएगा, देखो दशमलव के बाद जैसे 44.0 प्लस 1.3 है दशमलव, 2.1 है, 3 × 4, 4 × 2 = 7, 4। आप लोग सोच रहे होंगे कहां से आया 47.4, इसीलिए इसको लगाया, ठीक है, ऐसे जोड़ोगे तो आ जाएगा, दशमलव को संख्या दशमलव के नीचे ही लगेगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 47.4 डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 15.8 केजी आ गया, कितना आ गया, 15.8 केजी। अब क्या करेंगे, अब हाँ सबका अलग अलग भार बताना है ना, इसका मतलब एक्स का मान क्या आ गया, 15.8 केजी, तो एक्स किसका है, माना डेविड का भार एक्स केजी है, तो डेविड का भार कितना हो गया, डेविड का भार बराबर क्या हो गया, 15.8 केजी। अब किसका बचा, आदर्श का भार, आदर्श का भार बराबर क्या है, एक्स माइनस 1.3, एक्स का मान क्या है, 15, एक्स माइनस 1.3 बराबर
15.8 माइनस 1.3 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 15 में से घटाओगे 14.5 केजी। आदर्श का भार कितना हो गया 14.5 केजी। हामिद का भार कितना हो जाएगा, हामिद का भार बराबर x माइनस 2.1 केजी बराबर क्या हो जाएगा, 15.8 माइनस 2.1 है बेटा, सॉरी 2.1, ये कितना हो जाएगा 15 में 2 गए 13.8, में से 1 गए 7 केजी। क्या हो गया उत्तर, डेबिट का भार 15.8 केजी, आदर्श का भार 14.5 केजी, हामिद का भार 13.7 केजी, यही आपका आंसर हो गया बेटा। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या का योग 4 है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों में क्या हो जाएगा, दो अंकों का योगफल क्या बोल रहा है, जैसे मान लो दो और दो, ये दो अंक है, इनका योगफल क्या बता रहा है 4 है, इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, ठीक है। तो यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, क्या करेंगे, माना कि हल इकाई की संख्या, इकाई की संख्या x है, इकाई का क्या है x है, तो दहाई का दहाई की संख्या क्या हो जाएगी, दहाई की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, मान लो दहाई की संख्या क्या हो जाएगी 4 − x हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जैसे मान लो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, अब मान लो ये x है, तो दहाई बराबर क्या हो जाएगा, दहाई बराबर x माइनस 4, या दहाई बराबर क्या हो गया 4 − x, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो दहाई की संख्या क्या हो गई 4 − x। अब संख्या का क्या लिखेंगे, संख्या बराबर संख्या क्या होगी, जैसे क्या है यह 4 − x, ये क्या है दहाई, दहाई के नीचे क्या होता है 10 का गुणा होता है, जो भी जिसका स्थानीय मान 10 होगा दहाई पे होगा उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू 10 की गुणा है, जैसे 2 है इसमें 10 का गुणा है, 10 × 20 + 2 होगा, ऐसे इसमें है इकाई की संख्या x है, दहाई की संख्या क्या है 4 − x है, दिया है दो अंकों की एक संख्या का योग 4 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दहाई की संख्या 4 − x, 4 का मतलब क्या हो गया 10 का गुणा दहाई की संख्या में प्लस x, जैसे दहाई है 10, 2 पे है ना, तो 2 मतलब 2 20 है, 2 × 10 + 2, समझ रहे हो ना, इकाई 2 हो गया, दहाई 20 हो गया, मतलब 20 + 2 = 22 हो गया। सेम ऐसे दो अंकों की एक संख्या के योग 4 है, यदि अब क्या है, माना कि इकाई की संख्या x है, दहाई की संख्या क्या हो जाएगी 4 − x, ठीक है, अब टोटल संख्या दोनों क्या हो जाएगी 4 − x × 10 + x,
अभी इकाई और दहाई को संख्या लिख दिया ना, जैसे ये क्या हो गया, ये दहाई हो गया, ये इकाई हो गया। समझ मारा नहीं आ रहा है, समझ रहे हो नहीं? देखो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या दिया है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, दहाई का अंक क्या है, चार माइनस एक्स, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए माइनस एक्स, शेष क्या बच रहा है, दो बराबर दो। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स बराबर दो माइनस चार, माइनस एक्स माइनस माइनस दो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो बटे दो, दो एक के दो एक आ गया, क्या हो गया एक्स का मान क्या आ गया एक आ गया। अब क्या करेंगे, संख्या पूछ रहा है ना, क्या बोल रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या के लिए क्या करेंगे, इस वाले में एक्स का मान रखेंगे, संख्या बराबर चार माइनस एक्स का मान क्या है एक गुणे दस प्लस एक्स का मान क्या है, चलो पहले संख्या लिख देते हैं उसके बाद इसी मान रखते हैं, चार माइनस एक्स गुणे दस प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये चार माइनस एक गुणे दस प्लस एक तीन गुणे दस प्लस एक, दस तीन तीस प्लस एक बराबर इकतीस, संख्या क्या है बेटा इकतीस, इकाई क्या हो गई, इकाई क्या है एक, दहाई क्या है तीन, और तीन एक चार, क्या बोल रहा था, दो अंकों की संख्या का योग चार है तो तीन एक चार यही संख्या थी वो। नौवीं सवाल देखो, दो क्रमागत संख्याओं का योग फल इक्कीस है, उन संख्याओं को बताइए, क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, क्रम से आने वाली संख्याएं, क्या होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, तो हल क्या करेंगे, हल माना कि पहली क्रमागत संख्या x है, दो क्रमागत संख्याएं होती है उनके बीच में कितना अंतर होता है एक का, कितना, जैसे 11 12 13 सब में एक एक का अंतर है ना, ये क्रमागत संख्या है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा x है, पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी x प्लस एक, क्या हो जाएगी एक्स प्लस एक हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, इसका मतलब क्या दे रहा है, दो क्रमागत एक एक्स है दूसरी एक्स प्लस वन है, इनका योगफल कितना दे रहा है 21। प्रश्नानुसार ठीक है, अब क्या हो जाएगा एक्स एक्स क्या हो जाता है दो एक्स ना, एक्स एक्स क्या हो जाएगा प्लस वन बराबर 21। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अब क्या हो जाएगा टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे दो, दो दामा 20, इसका मतलब क्या हो गया एक्स का मान क्या आ गया 10 आ गया ना, तो दोनों संख्याएं पूछ रहा है, संख्या को बताइए। अब क्या है, पहली संख्या क्या हो जाएगी 10, दूसरी संख्या क्या है x प्लस वन है ना, दूसरी पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या 10,
दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 10 प्लस एक बराबर, 10 प्लस एक कहां से आया, एक्स प्लस वन है ना दूसरी संख्या माना था ना। अब जैसे अगर क्रमागत संख्या बोले तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, एक्स प्लस दो, चौथी क्या होगी एक्स प्लस तीन, पांचवी क्या होगी एक्स प्लस चार, ठीक है ना। तो बराबर एक्स का मान क्या है 10 और प्लस एक 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या है, पहली संख्या 10 हो गई, दूसरी 11 हो गई, रुक जाओ क्या हो जाएगा, दोनों का योग क्या हो जाएगा 21 है ना, 10 और 11 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 21, दोनों संख्या क्या थी 21 थी, 10 और 11 10 11 यही आंसर हो गया। क्या है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को बताइए। तो क्या है, माना कि पहली सम संख्या क्या है 2x है, दूसरी सम संख्या क्या होती है 2x प्लस 2 हो जाएगी। सम संख्याएं क्या होती है, जो दो से विभाजित हो जाए, उनके बीच में क्या अंतर होगा, दो का अंतर होगा और दो से विभाजित हो जाए। तो पहली संख्या क्या है 2x हो गई, दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी 2x प्लस 2, तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी 2x प्लस 4, चौथी संख्या क्या हो जाएगी सम संख्या 2x प्लस 6 जो दो से डिवाइड हो, समझ में आया। अभी क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, पहली संख्या मान ली दो क्रमागत संख्याओं का योगफल, मतलब पहली संख्या क्या है 2x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x प्लस 2 हो जाएगी। अब इनका योगफल क्या दे रहा है 30 दे रहा है, मतलब प्रश्नानुसार टू एक्स, पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 2x प्लस 2 है, इनका योगफल 30 है, 4x बराबर 30 माइनस 2, x बराबर 28 बटे 4, 30 माइनस 2 घटाओगे 28 आ गया, 4 7 28 7, इसका मतलब क्या हो गया x बराबर 7 आ गया। अब इसी में सम संख्याओं में पहली सम संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर 2x है, तो 2x है तो क्या हो जाएगा 2 गुणे x का मान रखेंगे तो क्या जाएगा 7 बराबर 14, दूसरी संख्या पहली संख्या क्या हो गई 14, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर 2x प्लस 2 बराबर 2 गुणे 7 प्लस 2 बराबर 7 गुणे 14 प्लस 2 बराबर 16, ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो गई 16, इसका मतलब क्या हो गया 14 और 16, 14 16 जोड़ोगे तो इनका योगफल 30 है, यही पूछ रहा था वो, ठीक है। 11वां सवाल क्या है बेटा, 11वां सवाल क्या है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को बताइए। क्या बोल रहा है, जैसे अब हमने क्या पढ़ लिया, अगर क्रमागत क्रमागत संख्याएं अगर पूछता है तो उसको मानते हैं x, दूसरी संख्या हो जाती है x प्लस 1, तीसरी हो जाती है x प्लस 2, ये तो है क्रमागत संख्याएं, और क्रमागत विषम क्रमागत सम संख्याओं क्या हो जाती है, पहली संख्या होगी 2x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x प्लस 2, पढ़ लिया। और इसे विषम संख्या क्या होती है, क्रमागत विषम संख्या कहां से स्टार्ट होगी 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, ये इसका क्रम होता है, इसको ध्यान रखना है। क्या है, 11वां सवाल, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को बताइए। माना पहली विषम संख्या क्या है, विषम संख्या 2x प्लस 1 है, दूसरी विषम संख्या क्या है, विषम होता है जो जैसे जो दो से ना कटे, टू एक्स प्लस 3, ठीक है ना।
अब क्या बोल रहा है इन प्रश्नानुसार दो क्रम क्या है इनका दोनों का योगफल क्या दे रहा है 40 दे रहा है, इसका मतलब क्या है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 बराबर क्या दे रहा है 40। ठीक है अभी क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 बराबर 40, 4x बराबर 40 माइनस 4, 4x बराबर 36, x बराबर क्या हो जाएगा 36 बटे 4, 4 9 36 9, x का मान क्या आ गया बेटा 9 आ गया। अब क्या निकालेंगे पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर x का मान रख देंगे 2x प्लस 1 है ना, और 2 गुणे 9 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x प्लस 2 है, दूसरी संख्या बराबर चलो लिख दे रहा हूं मैंने, दूसरी संख्या बराबर 2x प्लस 3 है, क्या हो जाएगा 2 गुणे 9 प्लस 3 बराबर 9 दूनी 18, 18 3 21 क्या हो गया दोनों क्रम विषम संख्याओं का क्रम क्या है 19 और 21, इसका मतलब क्या हो गया 19 और 21 जोड़ोगे क्या आएगा 40, 9 1 10 2 1 3 1 4 आपका यही आंसर हो जाएगा बेटा। 12वां सवाल क्या है बेटा, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, क्या है एक भिन्न के संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका भिन्न 4/5 हो जाता है, वह भिन्न बताइए। तो क्या है भिन्न बराबर क्या होता है हल, क्या करेंगे हर दिया है 7 तो क्या है अंश पहले देखेंगे ना क्या होगा अंश, माना कि अंश x है ठीक है, तो भिन्न क्या है भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 1/7, हर उसका 7 है ठीक है, उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए प्रश्नानुसार, अंश और हर में मतलब x प्लस 3 7 प्लस 3 जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, क्या हो जाता है बराबर 4/5 हो जाता है, तो अब भिन्न ज्ञात कीजिए, अब इसी को ज्ञात करना है ठीक है। अब क्या करेंगे प्लस 3/10 बराबर 4/5, इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का 4 में गुणा और इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे एक्स प्लस 3 बराबर 10 गुणे 4 ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 15, 5 का x में गुणा होगा 5x, 5 का 3 में गुणा होगा 5 3 15 बराबर 10 चौक 40, क्या हो जाएगा 5x बराबर 40 माइनस ये हो जाएगा 15, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 15 बराबर क्या हो जाएगा 25, एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर 25/5, 5 5 25 ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ गया 5 आ गया, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा भिन्न बराबर एक्स का मान क्या है 5 है 5/7, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।